कल रात को जो व्यापारियों के साथ हुआ है, स्टेशन और व्यापारियों के चालान काटे गए हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। हमने इनको क्लाकवार पे एप्लीकेशन करी थी। ऑटो वाले जो खड़े हैं लाइन से, ये नशा करके ठेके से दारू पी के और पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, न्यूसेंस फैलाते हैं, उनके चालान नहीं कटेंगे। चालान कटेंगे तो व्यापारी के कटेंगे, और वो भी अवैध। हमारे को जब नगर निगम ने अथोराइज कर दिया, भाई आप जाके गाड़ियाँ खड़ी करो, ग्राहकों की खड़ी करो, फिर ये क्या हमारे साथ क्यों हो रहा है? इसका मतलब अब ऑटो, ये जो ऑटो वाले खड़े हैं वो सही हैं, दारू पी के सोए हैं वो सही हैं। बिना किसी सूचना के यातायात विभाग और क्लॉक टावर थाने की पुलिस कर्मियों ने कल रात को 8 बजे स्टेशन रोड पर यहाँ पर चालान काटे, जिसमें आपको पुगरू में ही मालूम है कि जब ये पार्किंग का ठेका दिया था एलिवेटेड ब्रिज के नीचे, अजमेर बंद हुआ था और पार्किंग निगम ने निरस्त करी थी। लेकिन जब निरस्त होने के बाद हमारा मेयर से, सीओ साहब सुशील कुमार से जब बातचीत हुई थी, उन्होंने इस पार्किंग को व्यापारियों और ग्राहकों के लिए फ्री छोड़ दिया था। वो तब से सिलसिला जारी था, व्यापारी अपनी सुविधाएं ले रहे थे एलिवेटेड ब्रिज के नीचे और ग्राहक भी आ रहे थे। लेकिन कल अचानक आकर के यातायात विभाग की गाड़ी भी आई, संबंधित थाना जो क्लॉक टावर है उसके पुलिस भी डिपार्टमेंट वाले भी आए और उन्होंने कुछ गाड़ियों को अपने कोतवाली थाने में जमा भी कर लिया और कईयों के चालान काटे। स्टेशन रोड व्यापारिक संघ इस बात का पूरी तरह से विरोध करता है। आखिर व्यापारी जाएगा कहाँ? एक तरीके से नादिरशाही वाला काम हो गया है। इसलिए आज सारा व्यापारी हमारे जो रोष प्रकट कर रहे हैं, आपके माध्यम से प्रशासन को हम जगाना चाहते हैं कि ऐसे कार्य वो नहीं करें, नहीं तो आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा। मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैं अर्जुन ऑप्टिकल पे काम करता हूँ, वर्कर हूँ। मेरा बिना कहे भी, बिना बताए चालान काटा गया, 100 रुपये का चालान दिया गया उनसे रात को मेरा। अब मैं उनको कह रहा हूँ सर, मैंने कहा मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, मैं कहाँ से दूंगा 100 रुपये? मैं तो मेरा पेमेंट ही इतना मिलता है, मैं कैसे करूँगा इनका भुगतान? 100-100 रुपये अगर मैं ऐसे दूंगा तो कैसे चलेगा सर काम, ये बताइए। अब आप मैं यहाँ से 25 साल से काम कर रहा हूँ सर शॉप पे। कल आपने कुछ वार्ता करी उन्होंने? मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करी, हाथ भी जोड़े, मैंने सर ऐसे मत काटिए चालान आप, लेकिन फिर भी बिना बताए उन्होंने मेरा चालान काट दिया 100 रुपये का और मुझे भुगतान करना पड़ा। आपने बताया नहीं कि मैं यहाँ कर्मचारी? मैंने उनको बोला भी कर्मचारी हूँ और वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं क्या कर्मचारी हो तो क्या हुआ, आपका चालान कटेगा 100 रुपये का। कल रात को जो व्यापारियों के साथ हुआ है, स्टेशन और व्यापारियों के चालान काटे गए हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। हमने इनको क्लाकवार पे एप्लीकेशन करी थी। ऑटो वाले जो खड़े हैं लाइन से, ये नशा करके ठेके से दारू पी के और पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, न्यूसेंस फैलाते हैं, उनके चालान नहीं कटेंगे। चालान कटेंगे तो व्यापारी के कटेंगे, और वो भी अवैध। हमारे को जब नगर निगम ने अथोराइज कर दिया, भाई आप जाके गाड़ियाँ खड़ी करो, ग्राहकों की खड़ी करो, फिर ये क्या हमारे साथ क्यों हो रहा है? इसका मतलब अब ऑटो, ये जो ऑटो वाले खड़े हैं वो सही हैं, दारू पी के सोए हैं वो सही हैं, हमारे व्यापारियों के ऊपर ही ये सारे क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी ये मांगे हैं हमारे को पार्किंग उसको कंटिन्यू किया जाए। सूचना आपने कहीं दी क्या ट्रैफिक? हमने दो बार इसको सीआई को दिया है खिलाफ तौर पर, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमने ऑटो वालों को लिखित में दिया है इनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और अभी हम मिल के हैं अभी जस्ट, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।